morning dear students. Today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 7. This is the first question of the exercise. How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants, can be formed from the letters of the word daughter? इस daughter word में जितने भी letters आ रहे हैं उससे हम ऐसे कितने words बना सकते हैं जिनमें दो वॉवल्स हों और तीन कॉन्सोनेंट्स हों. तो इस वर्ड डॉटर में हमारे पास ए, यू और ई तीन वॉवल्स हैं और बाकी टोटल लेटर्स थे एक दो एट थे. तो एट में से थ्री माइनस हो गया और फाइव कॉन्सोनेंट्स बच गए हमारे. तो तीन वॉवल्स में से टू वॉवल्स वी हैव टू सेलेक्ट and out of five consonants we have to select three consonants. So in how many ways this selection can be done? It can be done in the vowels can be selected in 3C2 ways. That will be 3 because it is factorial 3 divided by factorial 2 into factorial 1 ho jayega. 3 minus 2 factorial, that is 1. Similarly, consonants can be selected in 5C3 ways. And 5C3 is factorial 5 divided by factorial 3 into factorial 5 minus 3, that is factorial 2. So after calculation we get 10. Now you have to do both the work together. So by multiplication principle this can be done in 3 into 10, that is 30 ways. यहाँ पर अभी तो हमने केवल इतना काम करा है कि दो वॉवल्स और पांच कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर कॉम्बिनेशन में उन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हम अरेंज भी कर सकते हैं अमंग देमसेल्स, क्योंकि पांच लेटर्स अब हमारे आ गए हैं तो उनको कितने वेज से अरेंज कर सकते हैं हम, उनका अरेंजमेंट भी देखना है. तो दैट इज़ फैक्टोरियल 5 वेज. पाँच थे, पाँचों को अरेंज करना है. So 5P5, that is factorial 5 ways. So the number of different words which we can form will be 30. To different ways se humne selection kara tha aur us selection mein har jo humne vowels aur consonants ka arrangement hai wo factorial 5 ways se kara tha. So the total will be 30 multiplied by factorial 5. You will multiply it, this becomes 120 into 30, that is 3600. Next one is, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls and at most 3 girls? 9 boys or 4 girls mein se 7 logo ki committee banani hai. Aur different cases hai hamare paas. Pehla case wo hai jab hamari committee mein keval 3 एग्जैक्टली तीन गर्ल्स, मतलब तीन ही गर्ल्स हों, तीन से ना कम ना ज़्यादा गर्ल्स हों. तो सात लोगों की कमेटी बनानी है, तो अगर तीन लड़कियां हैं तो चार लड़के होंगे. तो फ्रॉम फोर गर्ल्स, थ्री गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 4C3 वेज. एंड फ्रॉम 9 बॉयज, 4 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 9C4 वेज. सो द टोटल वेज ऑफ सेलेक्शन विल बी बाय मल्टीप्लीकेशन रूल 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 9C3, क्योंकि आप एंड लगा रहे हैं ना, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज यू हैव टू सेलेक्ट, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन आएगा. कैलकुलेशन करेंगे, इट बिकम्स फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 1 एंड फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 9 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, वो कैंसिल हो गया, केवल 4 रह गया यहाँ. और 9 फैक्टोरियल को 8, 7, 6 into factorial 5, वो cancel out होके, then we will get 504 after doing calculation. Second case is we have at least 3 girls. At least means कम से कम तीन लड़कियाँ होनी चाहिए. तो तीन, इसका मतलब क्या हुआ, या तो तीन लड़कियाँ होंगी या तीन से ज़्यादा, मतलब चार लड़की हो सकती है, क्योंकि और चार से ज़्यादा लड़कियां हैं ही नहीं हमारे पास. तो दो ही केसेस बन सकते हैं कि 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ या 4 बॉयज़
फोर गर्ल्स थ्री बॉयज़। तो इस केस में हमारे पास जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी थ्री गर्ल्स फोर बॉयज़ वाला, तो अभी हमने फर्स्ट केस में करा ही है, वो हमारा था 4C3 × 9C4। और जब फोर लड़की गर्ल्स और थ्री बॉयज़ चूज़ करने हैं तो दैट कैन बी डन इन 4C4 ways × 9C3 ways। तो हमारे पास है या तो ये होगा या ये होगा, तो टोटल वेज क्या हो गया, दिस प्लस दिस। जब आप और लगा देते हैं तो यहाँ बीच में इसका मतलब प्लस होगा, क्योंकि या तो ये केस बनेंगे हमारे पास या ये केस बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी सम ऑफ दिस। और ये अभी हमने कैलकुलेशन करी थी, 504 आया फर्स्ट केस में, और 4C4 1 होता है क्योंकि फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 0 आएगा, और ये 9C3 है तो 9 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 आएगा, और आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यू विल गेट 84, सो इट बिकम्स 588। नेक्स्ट इज सिंस नेक्स्ट इज एटमोस्ट थ्री गर्ल्स। एटमोस्ट थ्री गर्ल्स का मतलब तीन से ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हो सकती हैं, तीन या तीन से कम होंगी। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, या तो तीन लड़कियां चार लड़के, या दो लड़कियां पांच लड़के, या एक लड़के छह लड़के, और या एक भी लड़की नहीं, और सातों के सातों लड़के हैं हमारे पास। तो ये हमने केस अभी फर्स्ट वाला, थ्री गर्ल्स और फोर बॉयज़ कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 4C3 × 9C4 जो हमने फर्स्ट केस में लिया था। टू गर्ल्स एंड फाइव बॉयज़, तो वी हैव फोर गर्ल्स, तो आउट ऑफ फोर टू कैन बी सिलेक्टेड इन 4C2 ways एंड फाइव बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड इन 9C5 ways, तो 4C2 × 9C5। फिर वन गर्ल एंड सिक्स बॉयज़, एक लड़की छाटनी है और छः लड़के, तो फोर में से एक लड़की, तो 4C1 ways से सिलेक्शन हो सकता है। एंड है मतलब तो मल्टीप्लाई, नाइन बॉयज़ थे, नाइन में से सिक्स बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड इन 9C6 ways। अब लास्ट केस है कि एक भी लड़की नहीं हो, सात और हमारे लड़के हों, सो 4C0 × 9C1, क्योंकि 9 में से सात लड़के सेलेक्ट करने तो 9C1। नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शन बिकम्स सम ऑफ ऑल दीज, दैट इज क्योंकि 4C3 × 9C4 प्लस 4C2 × 9C5 एंड लाइक दिस सम ऑफ ऑल द फोर केसेस। वी विल डू द कैलकुलेशन, 4C3 बिकम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, तो वो 4 रह जाएगा। इसी तरह से इन सब में आप कैलकुलेशन करेंगे, 9C4 मीन्स 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 − 4 दैट इज फैक्टोरियल 5। तो जो 9 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 9876 इंटू फैक्टोरियल 5, वो डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो गया, और फैक्टोरियल 4 को हमने खोल दिया 4 × 3 × 2 × 1। इस तरह से पूरी कैलकुलेशन करेंगे, देन वी विल गेट 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अगर एग्जामिनेशन वर्ड में जितने लेटर्स आ रहे हैं उनसे हम जो भी डिफरेंट वर्ड्स बनाएं विद और विदाउट मीनिंग, अगर उन्हें हम उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लिस्ट करेंगे तो हमें बताना है कि जो फर्स्ट वर्ड हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले कितने शब्द हमारे बनेंगे। तो डिक्शनरी में तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है, तो ई से पहले आने वाले जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो हमें यहाँ देखने होंगे कितने आ रहे हैं, तो उनसे बनने वाले शब्द हमारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। तो ई से पहले आने वाला केवल एक ही वर्ड लेटर है हमारे पास ए, तो इसका मतलब हमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने होंगे जो ए से बन स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ हियर देयर आर 11 letters out of which we have 2 A's, 2 I's and 2 N.
means AINN, they are appearing two times, and all other remaining ones, they are appearing only once. So to find the number of words starting with A, it means we have to fix the leftmost position with A. पहला जो लेटर हो ए फिक्स हो गया, अब कितने लेटर्स बचे हैं हमारे पास, 10. तो उन 10 को 10 पोजीशंस में हम कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं, सो दैट विल बी फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय वो जो 10 लेटर बचे, उसमें केवल 2 आई और 2 एन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2. आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन यू विल गेट 9,70,200. Next question. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts, that is part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. A question paper jisme 12 questions hain, do parts mein divide hai. First part mein 5 questions hain aur second part mein 7 questions hain. A student is required to attempt 8 questions in all. Ek bacche ko kul 8 questions karne hain aur कम से कम 3-3 क्वेश्चंस दोनों में से होने, पार्ट्स में से होने चाहिए. तो ये 3-3 क्वेश्चंस तो उसे सिलेक्ट करने ही हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि 8 क्वेश्चंस टोटल करने हैं, तो 2 क्वेश्चंस उसकी चॉइस पर है कि वो पार्ट ए से करें या पार्ट बी से, या एक एक क्वेश्चन दोनों से. तो इन हाउ मैनी वेज कैन ए स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस, सो इसमें भी हमारे पास डिफरेंट केसेस बनेंगे कि वो पार्ट ए से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करे और पार्ट बी 2 से 5 क्वेश्चंस, या पार्ट 1 से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे और पार्ट 2 से भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करे, या लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचेगा कि पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करे और पार्ट 2 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करे. नाउ वी हैव टू सी इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन. Now, 3 questions from part 1 can be selected in how many ways? Because since part 1 is having 5 questions, so it can be done in 5C3 ways. And so multiplied. In part 2, we have 7 questions. So out of 7, 5 can be selected in 7C5 ways. In second part case, 4 questions we have to select out of 5 and 7 questions. So it can be done in 5C4 multiplied by 7C4 ways. In third case, from the first part we have to select 5 questions, that can be done in 5C5 ways. And from second part we have to choose 3 questions, so that can be done in 7C3 ways. Now we have to find the total number of ways. So either this first case is having, or second or third. So we will add all the 3. And after doing calculation, we will get 420. That's all for today. Thank you.